मैम आपसे जानना चाहूंगी कि ये एमिनोरिया कौन सी बीमारी है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और किन लोगों को होते हैं? एमिनोरिया वर्ड का अर्थ होता है मासिक का रुक जाना। नियमित मासिक होता है सब महिलाओं को, अगर वो नियमित नहीं होके रुक गया तो उसे हम एमिनोरिया कहते हैं। एक दो महीना भी रुका, दो महीना भी रुका, तीन महीना रुका, तो वो एमिनोरिया की श्रेणी में आ जाता है। और मासिक रुकना दो तरह का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया यदि किसी लड़की को 15 वर्ष की उम्र तक या 16 वर्ष की उम्र तक, जो नॉर्मल समय होता है मासिक आने का, मासिक नहीं होता है तो उसे प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। और इसका कारण है कि हार्मोन की गड़बड़ी। शरीर में जो सेक्स हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं, उनका एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है। अगर यह संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो मासिक रुक जाता है, या इसी के चलते कभी कभी हेवी मेंसेस भी होता है। दूसरा कारण होता है कि अगर उसके जननांगों में की बनावट में कोई खराबी हो, जहाँ यूट्रस कभी कभी बना ही ना हो, या कभी कभी वेजाइना में सेप्टम जैसा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मालिटी हो, तो उससे भी इन लड़कियों को प्राइमरी एमिनोरिया हो जा सकता है। फिर है कि सेकेंडरी एमिनोरिया। यह क्यों होता है? इसका कॉमनेस्ट कारण तो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में जो मासिक रुकता है वो भी एमिनोरिया ही कहलाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी मासिक रुक जाता है बहुत बार, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन के चेंजेज होते हैं जो मासिक नहीं होने देते हैं। उसके बाद कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे OCP लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह लेते हैं, कुछ और अन्य दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे साइकियाट्री की दवाइयाँ हो, या हार्मोन हो, या डिप्रेशन की दवा हो, या कैंसर की दवा हो, इन सब से भी मासिक धर्म के रुकने का होता है। उसके बाद एक है मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति, जबकि मासिक पूर्ण रूप से ही बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत आप एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत वजन आपका कम है, या बहुत मेंटल स्ट्रेस में है, या PCOD की बीमारी हो, या थायराइड की बीमारी हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित कोई बीमारी हो, तो ये सब कंडीशन ऐसे हैं जिनमें मासिक धर्म रुक जाता है, तो इसी को हम लोग एमिनोरिया कहते हैं। और मैम इसके लक्षण क्या है, किन महिलाओं को ऐसा देखा जाता है कि नहीं? तो वही मैंने बताया ना कि जब मासिक दो तीन महीने रुक गए तो वो एमिनोरिया हो गया, लक्षण तो पहला वही हुआ। जब वो एमिनोरिया हुआ और अगर कोई डॉक्टर के पास आती हैं तो हम लोग कारण देखते हैं कि या तो उसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया हो सकता है शरीर में प्रेगनेंसी के चलते, या लैक्टेशन के चलते, या मेनोपॉज के चलते, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हो गए, या कोई बीमारी, तो वो डायग्नोसिस किया जाता है कि किस कारण से मासिक रुका है। जिस कारण से होता है, जिस बीमारी से होता है, तो एमिनोरिया के साथ साथ उस बीमारी के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, और जांच वांच में निकलता है तो डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है।